हाय दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि SummerSlam 2021 में क्या क्या होगा, कौन कौन से चैंपियन अपने टाइटल को बचा पाएंगे और क्या कुछ चैलेंज है, चैंपियन बन के SummerSlam से बाहर आएगा या नहीं। ये सारी बातों का जवाब जानने के लिए इस वीडियो को आगे तक जरूर देखिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, आप करते हैं वीडियो को शुरू। सबसे पहले बात करते हैं रोमन रिंग्स वर्सेज जॉन सीना के मैच के बारे में कि इस मैच में क्या होगा। सबसे पहले जॉन सीना रिटर्न आया और जॉन सीना ने रिटर्न आते के साथ रोमन रिंग्स को यूनिवर्सल टाइटल के लिए चैलेंज कर दिया। रोमन रिंग्स ने जॉन सीना के चैलेंज को एक्सेप्ट से मना कर दिया और उसके बाद रोमन रिंग्स ने फिन बैलर के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। हम लोगों को यही लगा कि शायद SummerSlam में फिन बैलर वर्सेस रोमन रिंग्स का मैच होगा। इस स्मैकडाउन में रोमन रिंग्स और फिन बैलर का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा था कि इन दोनों का मैच SummerSlam में होगा। रोमन रिंग्स ने तो पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, लेकिन इससे पहले फिन बैलर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर पाते बैरन कॉर्बिन ने फिन बैलर के ऊपर अटैक कर दिया। फिन बैलर को मारने के बाद बैरन कॉर्बिन ने कॉन्ट्रैक्ट उठा लिया और बैरन कॉर्बिन कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले थे। हम लोगों को ये लगा कि शायद रोमन रिंग्स वर्सेस बैरन कॉर्बिन का मैच SummerSlam 2021 में होगा, लेकिन तभी अचानक वहां जॉनसन जाते और जॉन सीना ने बैरन कॉर्बिन के ऊपर अटैक करके कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन कर दिया। जॉन सीना के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन करने से रोमन रिंग्स, पॉल हेमन और WWE फैंस तीनों शॉक हो गए और उसके बाद ये ऑफिशियल हो गया कि SummerSlam 2021 में रोमन रिंग्स वर्सेस जॉन सीना का मैच होगा। पॉल हेमन इस बात की शिकायत करने के लिए WWE के ऑफिशियल एडम के पास गए, लेकिन एडम ने कहा कि अब तो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन हो चुका है और अब SummerSlam में इन दोनों का मैच जरूर होगा। तो दोस्तों, ये ऑफिशियल तो हो गया है कि SummerSlam 2021 में रोमन रिंग्स वर्सेस जॉन सीना का मैच होगा। अब देखना ही है कि इस मैच में जीतेगा कौन। मुझे ये लगता है दोस्तों कि इस मैच में जॉन सीना जीतने के सबसे ज्यादा चांस है और जॉन सीना SummerSlam में रोमन रिंग्स को हरा के 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बन सकते हैं। अगर जॉन सीना 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनते हैं तो जॉन सीना एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे और मुझे लगता है कि SummerSlam 2021 में जॉन सीना रोमन रिंग्स को हरा के 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जरूर बनेंगे, क्योंकि अगर रोमन रिंग्स को अपना टाइटल हारना है तो जॉन सीना से अच्छा कंटेंडर कोई हो ही नहीं सकता जिसके सामने रोमन रिंग्स अपना टाइटल हारे। ये तो बात हुई जॉन सीना और रोमन रिंग्स के बारे में। अब बात करते हैं WWE चैंपियनशिप के मैच के बारे में। WWE चैंपियनशिप के लिए गोल्डबर्ग वर्सेस बॉबी लैशली का मैच हो रहा है, तो आइए देखते हैं कि गोल्डबर्ग वर्सेस बॉबी लैशली के मैच में आके जीतेगा कौन। मुझे लगता है दोस्तों कि इस मैच में गोल्डबर्ग बॉबी लैशली को हरा देंगे और गोल्डबर्ग न्यू WWE चैंपियन बन जाएंगे। इसका रीजन ये है दोस्तों कि गोल्डबर्ग पहले भी WWE चैंपियनशिप का मैच ड्रू मैकइंटायर के साथ कर चुके हैं और उस मैच में गोल्डबर्ग हार गए थे और ये गोल्डबर्ग को दोबारा मौका मिल रहा है WWE चैंपियनशिप जीतने का। अब WWE दो बार तो गोल्डबर्ग को लगातार हराएगी नहीं, तो मुझे लगता है कि इस मैच में गोल्डबर्ग जीतेंगे और गोल्डबर्ग बॉबी लैशली को हरा के WWE चैंपियन जरूर बनेंगे। इस स्मैकडाउन में साशा बैंक रिटर्न आ चुकी है और साशा बैंक ने रिटर्न आने के साथ बियांका बेलर के ऊपर अटैक कर दिया है। SummerSlam 2021 में साशा बैंक वर्सेस बियांका बेलर का मैच होगा और इस मैच में साशा बैंक बियांका बेलर को हरा देंगी और साशा बैंक न्यू स्मैकडाउन वुमेन चैंपियन बन सकती है। तो दोस्तों, आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या होगा और कमेंट में ये भी जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और उसके बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूं आपको थोड़ी देर में WWE के नेक्स्ट अपडेट के साथ। तो अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू एंड गुड बाय। और कमेंट में ये भी जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि जॉन सीना और रोमन रिंग्स के मैच में आखिर कौन जीतेगा।